It's Hero Times of Fantastic, but your hero is here, Tyler, super duper crazy, normal, you hope you know, suck. यार देखो सीन मेरे को नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, इंट्रो थोड़ा सा वो वाला था, मतलब कि कुछ कुछ लोग पागल बोलेंगे, बट कोई नहीं, बोल सकते हो, मेरे को अच्छा लगता है कोई मेरे को पागल बोलता है। बाय द वे आज है 10 तारीख एंड कल है 11 तारीख, कल है मेरे मैथ्स का एग्जाम। इधर मैं तुमको नजर दिखाता हूँ, सुबह से लेकर रात हो चुका है, रात के 8:30 बजे, ऊपर तुम टाइम देख सकते हो। एंड अब नीचे हो, ये चैप्टर है, अभी तक मैंने सिर्फ रियल नंबर के पॉलीनोमियल्स किया, थोड़ी देर में मैं सर आएंगे, वो मेरे को कराएंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मैंने नहीं किया है, कल मेरे को एग्जाम भी देना है, लिटरली मैंने कुछ नहीं पढ़ा, देखते हैं कल क्या सीन होगा, मैं कितना मार्क्स ला पाऊंगा, मैं पास कर पाऊंगा नहीं, बट मेरे को पता है मैं इंशाल्लाह पास कर जाऊंगा एंड सब पास कर देंगे, सब सबके बाद मैं अच्छा सोचू सब पास कर जाएंगे। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं एंड इस ब्लॉग में मैं तुमको दिखाऊंगा वहाँ जाके एग्जाम हॉल में क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई तो एक प्रॉब्लम हो गया, जिस स्कूटी से मैं जाता था उस स्कूटी का पापा लेके जाएंगे एंड दूसरा स्कूटी जो घर पे अवेलेबल है और हॉर्न मारता है, दूसरा स्कूटी जो घर पे अवेलेबल है ना वो ब्लू कलर का जुपिटर जिसका डिक्की खराब है, अगर मैं डिक्की के अंदर फोन डालूंगा एंड मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो आके मेरे डिक्की में मेरा फोन रहेगा कि नहीं, देखो डिपेंड करता है मैटर, कोई डिक्की किसी को पता थोड़ी है कि खराब है, लेकिन अगर कोई इसी मजाक में उठा दिया और मोबाइल निकल जाएगा वो भी आईफोन, काम करता हूँ वॉलपेपर पे किसी डीएसपी का फोटो लगा देता हूँ, मुझे डर जाएगा, बट कोई नहीं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, जो होगा दिखा जाएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, सो लेट्स स्टार्ट दिस फाइट। I wanna be the best in the game, yeah I came to play and invest in Coda. सो देखो 11:11 हो रहे हैं इस वक्त, सुनते हैं इंस्टाग्राम पर मैंने रील देखा कि इस समय कुछ भी दुआ मांगो तो कबूल हो जाता है, तेरी दुआ मांग लो, इस बार पास कर दे अच्छे से, सब पास कर दे, हम भी पास कर दे, चलो कोई नहीं। अभी मेरे सर आए थे जो कि मेरे को जस्ट पढ़ा के गए थे, मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा सर से, लास्ट बार मैं पढ़ा हूँ एंड 10th मैंने अपने दम पे कंप्लीट किया है, अभी मैंने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो एंड कुछ कुछ क्वेश्चन था वो भी मैंने सर से पूछ लिया, कार्ड्स वार्ड है ये वाला है, अब मेरे को करना है 2-3 चैप्टर कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री मेरे को देखना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देखना है, बस ये 2 चैप्टर देखना है, फिर मैं सो जाऊंगा तुमसे मिलता हूँ सुबह, या तो मैं सुबह देखूंगा, ऐसे कुछ था, देख लो इस लेवल का पागलपन रहना चाहिए। सो कोई नहीं, तुमसे मिलते हैं सुबह, क्योंकि अभी घर पे सब सो रहे हैं एंड कोई कोई टहल रहे हैं, इसलिए मैं धीरे 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 बात कर रहा हूँ, सो तुमसे मिलते हैं सुबह के दिन से सेक्सी एंड देखते कल एग्जाम कैसा जाएगा। सो यार देखो सुबह के 7:21 हो चुके हैं एंड मैं सोचा था कि मैं उठूंगा 5 बजे, बट मैं कल पता नहीं क्यों मेरे को नींद ही नहीं आ रहा था, तो मैं 2:30 तक सोया हूँ एंड देन मेरे को मेरे दोस्त ने कॉल किया कि भाई मेरे को भी रिसीव कर लेना, मैं भी अब स्कूटी से जाऊँगा, सो उसने मेरे को अभी कॉल किया था थोड़ी देर पहले 6:51 पे, सो मैं उठाऊँ, सो मैं जल्दी एक वीडियो अपलोड पे लगाऊंगा एंड देन मैं कल देखा नहीं था ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उसका फॉर्मूला देख लूँगा अच्छे से एंड जो जो कल मैंने प्रैक्टिस किया था मैं उसको देख लूँगा एंड देन स्कूल के निकल जाऊँगा, तुमसे मिलते डायरेक्ट स्कूटी पे। सो यार 8:47 हो गया एंड मैं अब निकल रहा हूँ, मेरा दोस्त खराब होगा, उसको मैंने 8:40 का टाइम दिया था, मैं गलती से मैं फोन में अपना कवर भी नहीं लगा हूँ, बट कोई नहीं, चलो हटाओ, अब निकल गया तो निकल गया, देखते हैं एग्जाम कैसा जाएगा, तुमसे मिलते रहेगा स्कूल के पास। सो यार व्हाट्सएप देखो 1:54 हो चुका है एंड मैं एग्जाम देके आ गया, लिटरली पेपर ने जो मैंने गंदा वाला फाड़ा है भाई, देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ तुम अपना बताना, मैं अपना बता रहा हूँ तुम कमेंट करके बताना। सबसे पहले पेपर है तो पेपर पर मैंने ट्रेडिंग करने के लिए मिलता है, तो उसमें मैंने कहा चलो पासिंग लाइक तो है, एक क्वेश्चन था ही नहीं उसमें प्रूव डेट इरेशनल, ये सब क्वेश्चन था नहीं, ऐसे ऐसे मैंने MCQ सॉल्व किया, मतलब 10 सॉल्व कर दिया 10 छोड़ दिया क्योंकि मेरे को नहीं आ रहा था, फिर मैं आगे बढ़ गया एंड मेरे से क्वेश्चन नहीं बनने लगा, फिर मैंने कहा कि नहीं मेरे को लास्ट का 1 घंटा बचाना है जिसमें कि मैं जो मेरा MCQ बचा है जिससे मैं पास कर जाऊँ, मेरे को वो सब क्वेश्चन करना है। सो जैसे जैसे करके लास्ट का 40 बचा एंड मेरे पास टाइम रहा है, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो तो आंसर लिख दिया बट आंसर लिख दिया एंड लास्ट में मैंने पूरा फोकस लगाया एंड जो जो आंसर मेरे को लगता था जो मैं कर सकता वो सब मैंने कर दिया, MCQ में थोड़ा सा तुक्का लगाया, आई होप कि मैं पास कर जाऊँ। भाई यार सब बल लड़का बोल रहा था और लड़की बोल रही थी कि यार 80 में 75, मैं कहा साला मैं ही रखूँगी जो ऐसा होगा, बट कोई नहीं थोड़ा क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, बट घर जाके अभी दोस्तों के पीछे स्कूल खुला भी है जो होगा क्रेजी होगा। कैसा पेपर गया भाई, चलो कोई नहीं तुम्हारा भी देखो ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम लाइफ में बहुत बड़ा करने वाले हो, मैं भी करूँगा तुम भी करोगे सब करोगे, बस जो चीज़ तुमको करना है उस फोकस करो, एक पेपर अ सिंगल शीट ऑफ पेपर विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। चलो कोई नहीं ज़्यादा हो गया BKC, अब निकलते हैं यहाँ से। So यार वेलकम बैक, देखो दोपहर के 3:25 हो गए हैं, ये 5 मिनट स्लो करी है,
भाई तब एग्जाम खत्म हो गया, मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या सीन हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। जैसे कि मैंने बोला कि मैं घर पे बैठा हूँ, बताऊंगा तुम लोगों को। सो ये देखो, ये मेरा सेट्टू आज मेरे को सेट्टू मिला था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बेसिक लिया था, तो आज थोड़ा अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट था। सो खोलते हैं, खुलते के साथ ये कुछ एक्सरसाइज सेक्शन था, फिर यहाँ पे सेक्शन ही था। ये सब जो 15 मिनट था वो मैंने देखा, मेरे को लगा अरे यार क्या क्या हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया सो ऐसे ऐसे होता गया, मतलब सॉल्व होता गया, तुम समझ रहे हो ना, हो गया। लेकिन 10 क्वेश्चन मैक्सिमम हुआ था, इन सब में मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मेरे को ज़्यादा दिमाग, मेरे पास बहुत प्रेशर था कि मेरे को पास करना है। मैंने जैसे तैसे करके 20 तक कर लिया, 1 घंटा हो गया था, फिर मैंने सेक्शन 20 स्टार्ट किया। मैं करता गया, इसमें मैं उझला था, मैं उसको छोड़ दे रहा था, फिर जैसे तैसे करके कर मैं सबको बनाते 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 यहाँ तक पहुँच गया। ये जो 4 मार्क्स का था, ये सब क्वेश्चन, ये सब मेरे से उतने अच्छे से नहीं बना, मेरे को पता है। बाय द वे ऐसे ही कुछ है, मेरे को बस आई होप कि मैं पास कर जाऊँ। ओह बाय द वे, तुम बताना एक चीज़ कमेंट करके कि मेरे को कितना मार्क्स आएगा एमसीक्यू में, मैं सबका आंसर बता देता हूँ। इसमें मैंने 1 किया है जो कि गलत है, 2 का मैंने सी किया है, 3 का मैंने 1 किया है, एंड 4 का मैंने 1 किया है, 5 का मैंने बी किया है, 6 का मैंने बी किया, 7 का मैंने डी किया, एंड 8 का मैंने ए किया, 9 का मैंने सी किया, 10 का मैंने डी किया, 11 का ए किया, 12 का डी किया, 13 का डी किया, 14 का 2.5 किया, 15 का बी किया, 16 का ए किया, 17 का डी किया, 18 का 15 किया, एंड 19 का ए किया, एंड 20 का मैंने सी किया। सो तुम बताने कैसे कैसे नहीं था, जब ऐसे ही क्वेश्चन पेपर तुम लोगों को कितना आया था कितना नहीं, वो तुम कमेंट करके बताना, एंड प्लीज मेरे को बताना मेरे एमसीक्यू में 20 में से कितना आया, 10, 8, 15 कितना। आई होप यू एंजॉय टुडेज़ व्लॉग, इफ यू डिड सो मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ राइट हियर, एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, अगर व्लॉग देख ले तो सब्सक्राइब करो, एंड जाते जाते एक शायरी सुना देते हैं, बट व्लॉग को एंड करके बीप साउंड इफेक्ट के साथ या गन साउंड इफेक्ट के साथ। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे नेक्स्ट टाइम तक रिव्यूज बॉक्स के साथ स्टे सेक्सी। सो यार जाते हैं, मैं तुमको शायरी सुना देता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज आएगा बट इसको इग्नोर करो। मैंने किया था प्यार उससे ऐसे, उसका दिल डूबा था मेरे जिस्म में जैसे, मैं अंधा हो चुका था उसके प्यार में, जैसे चीनी घुल गया हो चाय में, और उसने तोड़ा मुझे इस कदर जैसे बिस्किट टूटा हो चाय में। तो ये थोड़ा औसत था, लेकिन आई होप कि क्रेजी होगा। प्लीज सब्सक्राइब करना, मिलते हैं तुमसे कल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड हैप्पी रमजान, आज से रमजान स्टार्ट है, लव यू।